हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने आईफोन आईपैड के अंदर जो फोटोज़ एप्लीकेशन होती है उसमें जो फोटोग्राफ्स होते हैं उसे कैसे मास्क कर सकते हैं। तो ये मास्किंग क्या है और अनमास्क कैसे करना है, तो ये जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर आप आईफोन या फिर आईपैड यूज़ करते हैं तो आपको पता ही होगा कि उसमें एक फ़ोटोस एप्लीकेशन होती है और आप अपने मोबाइल के थ्रू जो भी फ़ोटो कैप्चर करते हैं वो फ़ोटोस एप्लीकेशन के कैमरा रोल में होता है। तो कई बार क्या होता है, कुछ फ़ोटोस वगैरह जो होते हैं वो आपको दूसरे पर्सन को बताना नहीं है, यानी अगर दूसरा पर्सन आपका मोबाइल फ़ोन ले और उसमें से फ़ोटोग्राफ्स एक्सेस करे तो फ़ोटोग्राफ्स के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है आपको उस पर्सन को बताना नहीं है। तो उसके लिए एक तरीका क्या है कि आप सिंपली वो फ़ोटोग्राफ्स को अपने डिवाइस में से मूव कर लीजिए दूसरे डिवाइस में, या तो फिर आप उसे मास्क कर सकते हैं। यानी क्या करना है कि आपका जो फ़ोटोग्राफ्स है उसमें से आपको जो एरिया किसी पर्सन को आप बताना नहीं चाहते आप उसे मास्क कर दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि उसे मास्क कैसे करना है, और आप जब भी चाहे तो उसे अनमास्क कर सकते हैं और फोटोज़ जो नॉर्मल था एज ए नॉर्मल फ़ोटो उसे एक्सेस कर सकते हैं। ये एक सिंपल टेक्निक है। दूसरा और तरीका भी है कि आप एप्पल स्टोर पे जाइए, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए। उसमें ऐसे फीचर्स होते हैं कि आप अपनी फ़ोटोज़ एप्लीकेशन में से कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह वो एप्लीकेशन में मूव कर लीजिए, और वो एप्लीकेशन होती है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, और पासवर्ड जब आप एंटर करेंगे तभी वो फ़ोटो आप एक्सेस कर पाएंगे। ये टेक्निक तो है ही, लेकिन आज मैं आपको सिंपल टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिसमें कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है और सिंपली आपको अपने फोटोग्राफ्स मास्क करने हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप फोटोज एप्लीकेशन के अंदर जो फोटोज़ होते हैं उसे कैसे मास्क कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये फोटोग्राफ्स है, ये फोटोग्राफ्स अगर आप चाहे तो अपने एल्बम के अंदर मास्क कर सकते हैं, यानी आपको नहीं बताना कि ये फोटोग्राफ्स के अंदर ये दो जो पर्सन है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आपको जाना है एडिट में, आपको आइडियली ये फोटोग्राफ्स एडिट करना है। तो यहाँ से आप जाएंगे तो एडिट के लिए जो क्रॉप ऑप्शन होता है आपका, आपको वो क्रॉप ऑप्शन का यूटिलाइजेशन करना है। और आपके फोटोग्राफ्स के अंदर कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे कोई पर्सन की इमेजेस वगैरह नहीं है, वहाँ पे लाके आपको उसे क्रॉप सेट कर देना है। तो जैसे आपने वहाँ पे सेट कर दिया तो बाकी के जो इमेजेस है वो क्रॉप हो गए, लेकिन इंटरनली आईफोन के अंदर क्या होता है कि फोटोज़ एप्लीकेशन वो उसे परमानेंटली क्रॉप नहीं करती। क्रॉप का मतलब क्या होता है कि आप जो ऑप्शन चूज़ करते हैं उसके बाकी का जो डेटा या बाकी का जो पार्ट है वो परमानेंटली रिमूव कर देना, लेकिन फोटोज़ एप्लीकेशन के अंदर वो रिमूव नहीं होता और उसे मास्क बोलते हैं, वो मास्क हो जाता है। क्रॉप करते हैं इंटरनली वो मास्क हो जाता है। तो आप जब एल्बम में जाके देखेंगे तो वहाँ पे जो पर्सन है उसकी फ़ोटो दिखाई देने के बदले आपने जो जितने एरिया मास्क किया है उसके सिवाय जो डिस्प्ले में है वही एरिया आपको यहाँ दिखाई देगा। तो कोई भी पर्सन जो अगर आपके आईफोन में फोटोग्राफ्स देख रहा है तो उसको ओरिजिनल फ़ोटो में क्या है कि वो पता नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा फोटोग्राफ्स मैं सैम्पल बता रहा हूँ, तो सिंपली आपको उसे भी मास्क कर देना है। यहाँ पर मैंने मास्क कर दिया तो बाद में डन प्रेस करना है। डन प्रेस कर देंगे तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे दो फोटोग्राफ्स है वो मैंने मास्क कर दिए। तो जब नॉर्मली आप जब भी ऐसे देखेंगे तो कहीं पे भी ओरिजिनल इमेज आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन अगर आप चाहे तो उसे रिकवर कर सकते हैं या तो फिर उसे रोल बैक कर सकते हैं। तो सिंपली उसके लिए आपको यही फ़ोटो अपने आईफोन में ओपन करना है, फिर से एडिट में जाना है। एडिट में जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है रिवर्ट और कैंसिल। तो रिवर्ट आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कन्फर्मेशन है रिवर्ट टू ओरिजिनल, यानी जो ओरिजिनल इमेज थी उसमें रोल बैक हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि फिर से वो फोटोग्राफ्स आ गया, तो एल्बम में भी प्रीव्यू में भी फिर से वो थंबनेल डिस्प्ले में आ गया। ये फोटोग्राफ भी फिर से मैं उसे रिवर्ट कर सकता हूँ, जैसे ही रिवर्ट कर दिया रिवर्ट टू ओरिजिनल तो ओरिजिनल फिर से वो फोटोग्राफ्स आ गए। तो आप अगर चाहे तो कुछ फोटोग्राफ्स ऐसे ही अपने फोटोज एप्लीकेशन के अंदर मास्क कर सकते हैं। तो इंटरनली होता क्या है कि ये फोटोज एप्लीकेशन जो होती है वो आपके फोटोग्राफ्स को परमानेंटली क्रॉप नहीं करता, लेकिन टेम्पररी उसे क्रॉप करके बाकी के जो पोर्शन है उसे मास्क कर देता है। तो आप जब अपने कैमरा रोल में सारे फोटोज़ देखेंगे तो मास्क एरिया जो है वो आपको नहीं दिखाई देगा, और आप जब भी चाहे उसे रिवर्ट कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके फैमिली मेम्बर में या फिर फ्रेंड सर्कल में कोई पर्सन आईफोन आईपैड यूज़ करते हैं तो उसके साथ भी मेरे वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये मेरे वीडियो उसके कुछ काम आए।
और चैनल को जब आप सब्सक्राइब कर देते हो उसके बाद जो बेल का आइकॉन आता है आप उसे भी टैप कर दीजिए, तो जब भी मैं अपनी चैनल पे नया वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।